सियालकोट में NA-75 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का में पोलिंग स्टेशन पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर वोटिंग रोक दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज से। उमर, पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कितनी देर तक बंद रही? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2 घंटे तक पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर ना पोलिंग बंद रही है। ये इलाका, ये जो है पोलिंग स्टेशन, गवर्नमेंट एलिमेंट्री हाई स्कूल है ये डस्का कलाम है, जहाँ पर सुबह ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक जो है कोरोना की खिलाफवर्जी की वजह से पोलिंग बंद कर दी गई। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए पोलिंग दोबारा शुरू की गई, जिसके बाद एक नामालूम शख्स ने आकर यहाँ पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद फिर भगदड़ मची और दोबारा फिर पोलिंग जो है वो अभी तक बंद है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर दी गई है, मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं फुटेज में कि गेट बंद कर दिया गया है। बाहर जो है आपको काफी रश नजर आ रहा है वोटर्स का, और काफी जो है एहतजाज भी किया जा रहा है इस हवाले से, जबकि जो मुस्लिम नून की उम्मीदवार है नौशीन इफ्तार, उनके मुताबिक इंतजामिया की जानिब से जान बूझ कर पोलिंग को जो है वो डिले किया जा रहा है। तमाम दिगर गिरदुरा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी। जी, सियालकोट में NA-75 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का में पोलिंग स्टेशन पर कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर वोटिंग रोक दी गई है। हमारे नुमाइंदे उमर एजाज हमें अपडेट कर रहे थे। उनका बताना है इंतजामिया के मुताबिक वोटर्स का रश होने और मास्क का इस्तेमाल ना करने पर वोटिंग को रोक दिया गया है। यहाँ पर कोरोना SOPs की भी खिलाफवर्जी की जा रही है। सियालकोट का हल्का है NA-75, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और इसके लिए पोलिंग का अमल जारी था, जिसको खिलाफवर्जी पर अब थोड़ी देर के लिए रोका गया है। डस्का कला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग का वाकया भी पेश आया है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है, नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार हो गए और पोलिंग रोक दी गई। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी पहुंच गई है। डस्का कला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार हो गया, जिसकी वजह से पोलिंग रोक दी गई। उमर एजाज, ये क्या मामला है, इस मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले की खिलाफवर्जी पर जो है वो पोलिंग रोकी गई, उसके बाद काफी रश था पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का। एक नामालूम शख्स आया, उसने फायरिंग किया, हवाई फायरिंग करके वो फौरी फरार हो गया, जिसके बाद दोबारा जो है पोलिंग जो है रोक दी गई थी। इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। रेंजर्स की 2 गाड़ियां हैं यहाँ पर बाहर तैनात है, पुलिस भी मौजूद है। अभी तक जो है इस पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग का अमल दोबारा शुरू किया गया। जी जी बहुत शुक्रिया उमर एजाज हमें अपडेट कर रहे थे। नामालूम शख्स की जानिब से फायरिंग की गई और फरार हो गया, पोलिंग भी इस वजह से रोक दी गई। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई है।